नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। दाता रामगढ़ पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक अपराधी अपनी ही पत्नी की हत्या के मामले में चालनशुदा है। थाना प्रभारी हिम्मत सिंह ने बताया कि सोमवार 14 जून को चैनपुरा के पास बगड़िया का बास निवासी बाबूलाल पूनिया ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था कि वह सोमवार को अपनी दूध डेयरी से घर जा रहा था कि रास्ते में भेड़ा की ढाणी निवासी बाबूलाल झाकड़ और लालचंद झाकड़ ने उसे रोक लिया और शराब के पैसे मांगे। शराब के पैसे नहीं देने पर दोनों ने उसके ऊपर कंबल डालकर दबोच लिया और अपने घर ले गए, जहां जाकर उसकी पिटाई की। पुलिस ने बाबूलाल पूनिया की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए भेड़ा की ढाणी निवासी बाबूलाल झाकड़ और लालचंद झाकड़ को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि बाबूलाल झाकड़ अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में चालनशुदा है, वहीं लालचंद झाकड़ पर भी एक अन्य मुकदमा दर्ज है। चूरू में मणिपुरम गोल्ड फाइनेंस ऑफिस के कल हुए 22 किलो सोने और 5 लाख नकदी की लूट की वारदात का आज पुलिस अधीक्षक नारायण टोकस ने खुलासा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नारायण टोकस ने चौंकाने वाले खुलासे किए। चूरू में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्य गिरोह इस वारदात को अंजाम दिया है। दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, शादाब मुजफ्फरनगर यूपी से और हरीश ठाकुर मोहली पंजाब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपियों को भागते समय हिसार के सोनवाल चेक से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन आरोपियों पर 16 से 17 मामले लूट और हत्या के दर्ज है। दो लुटेरे जो भागने में सफल हुए उनके नाम रंजीत और फौजी अमजद है। इस गैंग का मुख्य सरगना रंजीत फौजी है, जो NSG का बर्खास कमांडो है। रंजीत फौजी ने ही तीनों लुटेरों को अंबाला में बुलाया था और वहां पर लूट का प्लान बनाया गया था। इन लुटेरों ने गत नवंबर और मार्च में ही दो बड़ी लूट की वारदातों को भी अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के लिए दो मोटरसाइकिलें भी चोरी की, एक सरदारपुर से चुराई तो दूसरी मोटरसाइकिल चूरू से चुराई गई। मोटरसाइकिलों को पहले मणिपुरम ऑफिस के बाहर खड़ी कर दी गई। चूरू बाईपास के पास पर भी पहले से कार खड़े कर वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 22 किलो सोना, 5 लाख नगद, दो मोटरसाइकिल और चोरी की गई एक कार बरामद की है। इसके साथ ही खतरनाक हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें दो पिस्टल, दो चाकू है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है और दो आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नारायण टोकस पुलिस अधीक्षक चूरू ने कहा कि हमारा हरियाणा पुलिस ने अच्छा सहयोग किया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम 3 घंटे में ही सुलझा लिया गया और लूटा हुआ 100% माल बरामद करना बड़ी उपलब्धि मिली है। आरोपियों को पकड़ने की टीम में ASP योगेंद्र फौजदार, सिटी CO ममता सारस्वर, DSP ओम प्रकाश गोदारा, ACST सेल के DSP हिमांशु शर्मा, सदर थाना अधिकारी अमित कुमार आदि ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को कस्बे के गांधी पार्क के पीछे स्थित नंदी गौशाला में सामर्थ्य फाउंडेशन अलवर और अलवर पेडल्स ने गौशाला में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने और जिले को हरा भरा करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया गया। सदस्यों के द्वारा छायादार और फलदार पेड़ लगाए गए। वृक्षारोपण के पश्चात परस्पर परिचय और पर्यावरण संरक्षण, गोवन संवर्धन और संरक्षण और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के बारे में चर्चा हुई। इस अवसर पर अलवर पैडल्स के सदस्यों ने ग्रुप के संगठन और उद्देश्य के बारे में भी जानकारी दी। सामर्थ्य फाउंडेशन के सदस्य शशांक झालानी ने फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। उपस्थित सदस्यों ने नंदी गौशाला के बारे में जानकारी लेकर गौशाला का भ्रमण किया और गौवंश को गुड़ खिलाया। इस मौके पर अतिथियों ने सहयोग राशि गौशाला में भेंट की और सभी को गोभंडार करने और सहयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सामर्थ्य फाउंडेशन ने दीपक पंडित, कपिल शर्मा, शशांक झालानी, अनवर पैडल्स के अमित सिंगल, कपिल कटारिया, अंकित कपिल भरतवाल, नंदी गौशाला राजगढ़ से किशोर मुखर्जी, गौशाला कर्मचारी उपस्थित रहे। राजगढ़ क्षेत्र में कोरोना काल में संक्रमण से हुई मौतों के बाद नारायण सेवा संस्थान ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करा सराहनीय पहल की। नारायण सेवा संस्थान शाखा राजगढ़ के अध्यक्ष खेम सिंह आर्य ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष RS वर्मा की प्रेरणा और सहयोग से पिलान में कोरोना से दिवंगत राधेश्याम मीना पिलान गांव में अकाल मौत के शिकार राजेंद्र सैनी के परिवार को राशन किट और सहयोग राशि प्रदान की गई। आर्य ने ये भी बताया कि पीड़ित परिवारों को जब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तब तक यथा संभव सहयोग करती रहेंगी। इस मौके पर नारायण सेवा संस्थान की राजगढ़ शाखा के अध्यक्ष खेम सिंह आर्य, सचिव मदन लाल शर्मा, जगदीश शर्मा और केंद्रीय सचिवालय फोरम के सचिव उदित आर्य सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुदर बुलेटिन। नमस्कार।